तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज एग्ज़ाम का सेकंड लास्ट डे था। तो कल तो कुछ ऐसा एग्ज़ाम है नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं हैतमपुर राजबाड़ी, जो राजा, मैं भी राजा का नाम नहीं पता, हम बाद में बता देंगे, जो हमारे गांव में भी उसका एक आवास है, घर है। तो हम लोग जा रहे हैं हैतमपुर राजबाड़ी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, हम आपको पीछे से दिखा सकते हैं। ये सारे बहुत सारे दोस्त यार हैं यहाँ पे, जो अलग स्टेट से है सब कोई। आगे आपको मिलाते हैं, थैंक यू। तो हम लोग के साथ है त्रिपुरा गाइस, हाय। ये देखिए, हाय गाइस, इसको तो जान रहे हैं आप। ये है पापंदा, वाह, प्रशांत और मुकांत। तो हम लोग चले राजबाड़ी, वहीं आप लोग को दिखाने पहुँचे हैं, 1 किलोमीटर दूर। राजबाड़ी का मेन गेट है ये भाइयों। तो अभी एंट्री मारना है हम लोग को। तो राजबाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों सब्सक्राइब कर छिस, ये जो आर्किटेक्ट बनाया ना, अभी का आर्किटेक्चर में मैचिंग नहीं होगा दोस्तों। आप लोग हम सब कुछ दिखा सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं काफी मोटा है, हम क्या कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता है, इतना बड़ा खम्बा है ये। और ऐसा, बाप रे बाप, और ऐसा नहीं, ये शायद मैं भी कितना साल पुराना है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये लोग सेल्फी लेने में लगे हुए हैं। हैतमपुर राजबाड़ी है ये, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, शायद सुने भी होंगे राजबाड़ी हैतमपुर। और तुम्हें दिखा वैसा, हम कभी भागे नहीं भाई, हम सही भागे नहीं भाई, अलग क्या है, अलग क्या है वो भाई। ये राजा का घर का, हम लोग का अंदर घुसने का अलाउड तो नहीं मिला क्योंकि शाम हो चुकी थी, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, यही से हम दिखा सकते हैं। तो बस सॉरी फॉर दिस। सब लाइनें बोस भाई। तो दोस्तों सब अच्छा से बैठ जाओ, लाइन बाय लाइन सब बोस। मंदिर आए हुए हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, साउंड की कमी दिख रही है। बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर है, काफी पुराना मंदिर लग रहा है और काफी खूबसूरत दृश्य है। आर्किटेक्चर देख है सर, चलो
काफ़ी खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। जैसे हमारे गांव में एक सिंहवाहिनी मंदिर है, उसी तरह यहाँ बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का प्रसिद्ध भी है, नाम हमको अभी फिलहाल नहीं पता है, हम पता करते हैं। नेचुरल व्यू बहुत सुंदर आछे। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आइए कभी, अगर अपने आप को डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो इस तरह जगह आइए, आपको बहुत ज़्यादा आंतरिक सुख मिलेंगे, मतलब पीस मिलेंगे, शांति। Thank you.